आज हम कार्यपत्रक 85 आपका डिस्कस करेंगे, परमाणु और अणु में से पुनरावर्ती वाले आपके जो ये वर्कशीट आ रही हैं, मोल संकल्पना। इसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण में उसमें भाग लेने वाले परमाणु तथा अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान भी उसके परमाणु अथवा अणु की संख्या के आधार पर किया जा सकता है कि कितने जो है उसके अंदर मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे अभिक्रिया के अंदर। तो इसलिए इसका एसआई मात्रक हम मोल कह रहे हैं। एक मोल में इतने तात्विक कण होते हैं, यह संख्या अवगाड्रो स्थिरांक संख्या कहलाती है। आपको पता है ये कांस्टेंट रहती है। तो किसी भी एक परमाणु, एक अणु, एक आयन अथवा कणों के एक मोल में मात्राओं की संख्या जो है हमेशा स्थिर रहेगी। एक मोल हाइड्रोजन में इतने परमाणु होते हैं जिसका द्रव्यमान एक यू या एक जी है। किसी भी पदार्थ का मोल अगर इतने कणों की संख्या में है तो हम लिखेंगे एक मोल परमाणु है तो पीछे हमने परमाणु लिख दिया, एक मोल अणु है तो हमने अणु लिख दिया, एक मोल आयन होता तो हम पीछे आयन लिख देते, लेकिन संख्या वही रहती। तो किसी पदार्थ में एक मोल का द्रव्यमान सदैव क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। चाहे किसी भी पदार्थ का एक मोल, चाहे वो कार्बन है, चाहे वो हाइड्रोजन है, किसी का भी एक मोल के अंदर यही संख्या लिखी जाएगी। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के हमेशा बराबर होगा। जैसे कि एक मोल परमाणु का द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर, जैसे एक मोल ऑक्सीजन है तो एक मोल ऑक्सीजन मतलब दो ऑक्सीजन एटम हो गए, तो 6.022 × 10²³ अणु उसके अंदर होंगे जिनका द्रव्यमान जो है कितना होगा, 16 × 2 तो 32 U या 32 ग्राम। तो इसको जो हम क्या कहते हैं, जब ये ग्राम में लिख रहे हैं तो इसको कहा जाता है मोलर द्रव्यमान। एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, जो उसके सापेक्ष परमाणु या अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। मोलर द्रव्यमान एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान बराबर कणों का आणविक। तो इसमें हमें एक फॉर्मूला मिलेगा n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। तो स्मॉल m हमारा क्या है, यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान, और बड़ा m क्या है, मोलर द्रव्यमान। पहला प्रश्न यही है, एक मोल पदार्थ की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक मोल पदार्थ की परिभाषा के अंदर आप परमाणु, यहाँ से किसी एक परमाणु अणु के अंदर एक मोल यहाँ से लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद अवगाड्रो स्थिरांक की मात्रा का क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न हो सकती है, इसमें आपका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि ये स्थिर होता है, ठीक है ना। इसमें आप ऊपर से ही उदाहरण दे सकते हैं ये वाले। 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो उसके लिए पहले हमें जो है n पता होना चाहिए। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 24 ग्राम और इसका जो है खुद का मोलर द्रव्यमान होता है 4, तो इसको हमने इससे भाग किया तो n हमारे आ गए 6। तो हम क्या करेंगे, 6 × 6.022 × 10²³। तो इसमें जो हमारा उत्तर आएगा वो इसके अंदर हो जाएगा परमाणुओं की संख्या। अगला प्रश्न है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसमें आप देखो 0.5 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, n बराबर, तो n हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे 0.5, और ये निकालना है हमने, और ये हमारा है 14, तो ये ऊपर आ जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 7। 36 ग्राम जल के अंदर मोलों की संख्या निकालनी है, तो इसको सीधा सीधा हो गया n = 36 और दिया गया है जल 18, तो ये हो गया 2। C2H6 और HCl के मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो C2 है तो 12 × 2 + 6 × 1, तो ये हो गया हमारा 30 ग्राम। और HCl के अंदर अगर हम निकालेंगे तो 1 × 1 + 35.5 × 1, तो ये हो गया हमारा 36.5 g। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। उम्मीद है समझ में आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।